मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। तो जब हाई स्कूल में वो चले गए तो वो ऐसा नहीं माना जाते थे कि कम बुद्धि वाले हैं, ऐसा समझा जाता था कि इनकी बुद्धि अच्छी है। पर जहां तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी का गर्व नहीं रहा। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। जब उनको इनाम मिलता था या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती थी तो वो कहते हैं मुझे हैरानी होती थी, लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य होता। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने शिक्षक या सहपाठी से कभी झूठ बोला हो। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, ये मेरे लिए असह्य था। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई मैं ऐसा काम करूं जिसके लिए शिक्षक को मुझे दंड देना पड़े। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे दुख था। कहते मुझे मार पड़ी, शिक्षक ने मारा, उसका मुझे दुख नहीं था। शिक्षक मुझे जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गलत समझा गया, इसका मुझे दंड दुख था। ये बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात सातवीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। हेडमास्टर बहुत अनुशासन प्रिय थे लेकिन विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे, पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इसमें ना लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। पहले तो कहते मैं कभी खेलता ही नहीं था, लेकिन जब बाद में मतलब हेडमास्टर ने खेलना अनिवार्य किया तब मैंने खेलना शुरू किया। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था, क्योंकि मैं शर्माता रहता था इसलिए मैं खेलने नहीं जाता था। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं सोचता था कि शिक्षा करनी है, व्यायाम क्यों करना है, क्या जरूरत है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने में तीव्र इच्छा। तो मैं अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था, इसलिए व्यायाम के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मैं जुटा पाता था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता, पिताजी की, ठीक है, तो करमचंद जी की, ठीक है। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। जब व्यायाम मैं करने लगा तो पिताजी की सेवा के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता था। करमचंद जी की, पिताजी का नाम करमचंद जी था ना, ये हमने यहाँ पे शुरू में ही बताया था कि पिताजी का नाम जो था वो करमचंद था, ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है, और पत्नी का नाम कस्तूरबा था। ये भी आपने साथ साथ याद रखने हैं। अच्छा, व्यायाम के कारण सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया। तो मैंने अपने स्कूल में एप्लीकेशन दे दी कि मुझे व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम से छुटकारा दे दो मुझे, ठीक है। पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला। तो पहले तो धूप देखकर गांधी जी पता लगा लेते थे कि 4 बजे हैं कि नहीं, अभी शाम है कि बस। लेकिन जब बादल हो गए तब उनको मतलब पता ही ना चला कि 4 बजे हैं कि नहीं। अभी बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी, मैंने बता दिया कि मेरे पास घड़ी नहीं थी तो बादलों की तरफ देखकर मुझे टाइम का पता नहीं चला, मैं सच से बोल दिया गांधी जी ने। उन्होंने उससे नहीं माना और मुझे 1 या 2 अन्ना ठीक से याद नहीं कितना दंड देना पड़ा, तो फाइन देना पड़ा उनको, मैं झूठा बना। तो कहते मुझे दंड देने का दुख नहीं है कि मुझे उन्होंने दंड दिया, मुझे इस बात का दुख होता था कि मैं झूठा समझा गया, मुझे बड़ी दुख हुआ।
मैं झूठा नहीं हूं, ये कैसे सिद्ध करो? कोई उपाय ना था, मैं मन मार कर रह गया, रोया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपने सच बोलना है तो सावधान भी होना चाहिए, असावधान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये शब्द अर्थ करने हैं आपने बीच में जैसे लाइन लगा कर ऐसे, ठीक है ना, शब्द अर्थ लिखने हैं। सत्य प्रिय, सत्य से प्रेम करने वाला, ठीक है, सच से प्रेम करने वाला, सत्यवादी सच बोलने वाला। छात्रवृत्ति, वजीफा, फ के पाँव में बिंदियाँ नहीं। असहाय, जिसे सहा ना जा सके। स्वास्थ्य, सेहत। अध्ययन, पढ़ना। अनिवार्य, जरूरी, ज के पाँव में बिंदियाँ नहीं है। धार्मिक, धर्म से जुड़ा। पितृभक्त, पिता की भक्ति, वो पितृभक्त थे ना, जैसे पिताजी की सेवा करते थे इसलिए तो व्यायाम नहीं करना चाहते थे। आचरण, चाल चलन। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। व्यायाम, कसरत। अनुशासन, नियम का पालन। विघ्न, रुकावट। लगे बता, तो ऐसे आपने करना है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर हैं, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ।